हैदराबाद शहर के दामपल्ली में वाक़े हज हाउस की इमारत की चौथी मंजिल पर उर्दू एकेडमी के दफ्तर में अचानक आतजदगी की वारदात रुनुमा हुई। बताया गया कि शाम 5 बजे हमले ने दफ्तर को बंद कर दिया था, जिसके बाद मगरिब में दफ्तर से अचानक कसीव धुआं उठने लगा, जिसकी इत्तला फायर ब्रिगेड अमले को दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड अमले ने मुखान वारदात पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। तमाम इस सिलसिले में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जबकि माली नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आतिशबाजी की वजूहात का हनूस पता नहीं चल सका। इस वाकये की इत्तला पर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन, एबिट्स पुलिस के अलावा दीगर अहदेदार वहां पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। हज हाउस के अमले में खौफ हिरास का माहौल देखा गया।